और स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? मेरी बात सुनना सर, मैं कहता हूं कि अगर मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है, ठीक है, मुझे अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे एक्सपेंड करना है, बड़े लेवल पे पहुंचाना है, तो सर मेरे पास ना कुछ सोर्सेज हैं। सपोज मैं कहता हूं मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना आराम से। मैंने कहा बेटा मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड और मुझे इसे एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहला तरीका तो मेरे पास है इंटरनल सोर्स क्या है मेरे पास, कि भैया मैं इसकी ब्रांचें बनाना शुरू कर दूं। क्लियर है? अगर मैं कहूं एनकेजे कोई मुझे ऑल इंडिया लेवल पे और एक्सपेंड करना है, तो एक और बेस्ट तरीका है कि मैं इनकी ब्रांचेस बनाना शुरू कर दूं, कि भाई अभी दिल्ली में है हम लोग, फिर मुंबई में भी आ जाएं, फिर जयपुर में भी आ जाएं, फिर हर जगह फैलना शुरू हो जाएं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का लेवल एक्सपेंड होगा, बट इट मीन्स कि वो इंटरनली एक्सपेंड हो रहा है। क्लियर? हमारे ही सोर्सेज से एक्सपेंड हो रहा है। जब मैं बात करता हूं कि भैया नहीं मुझे इंटरनली नहीं एक्सटर्नली बात करनी है, तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है? मेरे पास क्या होते हैं, दो तरीके, ध्यान समझना क्या क्या दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर एक्स लिमिटेड को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो पहला तो तरीका है कि वो अपनी जैसी कोई कंपनी, वाई लिमिटेड अपनी जैसी कोई कंपनी या अपने सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो भी कंपनी है, उन बिजनेस को साथ में जोड़ ले। क्लियर है? हम कहते हैं भाई एक्स लिमिटेड अपना काम कर रही है, वाई लिमिटेड भी अपना काम कर रही है, हमने कहा भाई एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आज से हम दोनों मिलके काम करेंगे। क्या करेंगे? साथ मिलके काम करेंगे। अब मिलाने का दो तरीका है, या तो उसका बिजनेस खरीद लो पूरा का पूरा, क्लियर है, या तो बिजनेस खरीद लो, या कहीं ना कहीं उन्हें मर्ज कर लो आपस में, कि ठीक है बिजनेस हम खरीद नहीं रहे, आपस में अपना अपना चलाएंगे, लेकिन मर्ज करके चलाएंगे। इसे हम लोग बोल देते हैं सर, इसे हम लोग नाम देते हैं अमलगमेशन। क्या नाम देते हैं? अमलगमेशन। कि सर हम लोग अल्टीमेट अपनी कंपनीज को अमलगमेट कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें दो तरीके आ जाते हैं, या तो उसका बिजनेस पूरा का पूरा एक बार में क्या कर लो परचेज, या उसका बिजनेस कर लो मर्ज, दैट इज मर्जर। क्लियर है? बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना, ये कोर्स में हमारे नहीं है। हम किसी बिजनेस को यहां पे खरीदने वरीदने वाले नहीं है, हम कोई अमलगमेशन की बात नहीं करने वाले। दूसरा तरीका क्या है कि सर अगर मुझे बिजनेस कंट्रोल करना है, मैंने कहा अल्टीमेट बिजनेस खरीदने में भैया लोचा है, अच्छा खासा सारी एसेट्स को वैल्यूएशन करो, लाइबिलिटीज को करो, कोर्ट की अप्रूवल लो, एनसीएलटी की अप्रूवल लो, बहुत सारे अमलगमेशन में इश्यूज है। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं अगर मुझे वाई लिमिटेड को जोड़ना है, तो एक और तरीका है कि वाई लिमिटेड अपना काम करे, एक्स लिमिटेड अपना काम करे। हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का कंट्रोल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कंट्रोल। मतलब कंट्रोल मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कंट्रोल लेते हैं, उसकी ओनरशिप हम होल्ड कर देते हैं, ताकि उसके जो भी डिसीजंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो किसके थ्रू लिए जाएंगे? हमारे थ्रू। अब एक बात बताओ ना, या तो मैं किसी को साथ में बिठा के काम करा लूं, या मैं उसका कंट्रोल ले लूं कि भैया जो काम करेगा वो मेरे अकॉर्डिंगली करेगा, तो अल्टीमेट बिजनेस तो फिर मेरे टेक ओवर में हो गया ना, तो बिजनेस तो मैं ही चला रहा हूं फिर इसका मतलब। अभी आप बताओ, जैसे मारुति सुजुकी आपने सुना एग्जाम्पल है ना, उसमें किसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कोई आइडिया? सुजुकी कंट्रोल करती है किसको? मारुति को। तो सर उन्होंने बिजनेस नहीं जोड़ा एक साथ, उन्होंने क्या करा, मारुति सुजुकी वालों ने मारुति की कंट्रोलिंग पावर ले ली। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब हम इसकी कंट्रोल कर लेते हैं, इस कंपनी की कंट्रोलिंग पावर ले लेते हैं, तो फिर यह बन जाता है हमारा होल्डिंग सब्सिडरी। क्या बन जाता है? होल्डिंग सब्सिडरी। जो कंपनी कंट्रोल ले रही है, बोले तो इस केस में कौन सा, एक्स लिमिटेड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। बात समझ आ रही है? हम लोग जो चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं वो इसकी बात करने वाले हैं, हम लोग अमलगमेशन के अकाउंट्स को कंसोलिडेट नहीं करने वाले। पहली बात क्लियर। तो आपसे कोई पूछे कि हम किसके अकाउंट्स कंसोलिडेट करने वाले हैं, तो कंसोलिडेट करने वाले हैं होल्डिंग और सब्सिडरी के। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बोलो, दो तरीके कौन कौन से? पहला तो इंटरनल सोर्स है, ब्रांचेस बनाते जाओ, उसको अपने को बात नहीं करनी, वो आप लोग कहां पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में है ना चैप्टर, अपने ग्रेजुएशन में ब्रांचेस वगैरह वहां पढ़ोगे। यहां पर है कि भैया हम एक्सटर्नल सोर्स में जाएंगे, एक्सटर्नल सोर्स में दो तरीके हैं, या तो बिजनेस को जोड़ लो, अमलगमेट कर लो, या फिर उसका कंट्रोलिंग पावर ले लो। कंट्रोलिंग पावर भैया जब भी लेंगे तो हमारे साथ में रिलेशन क्रिएट होगा, जिसे हम बोलेंगे होल्डिंग सब्सिडरी। सर होल्डिंग को एक नाम से और बुलाया जाता है, पेरेंट कंपनी। क्या बोला जाता है? पेरेंट कंपनी। तो होल्डिंग बोले या पेरेंट कंपनी बोले, बात सेम है, और सब्सिडरी मतलब वो कंपनी जिन पे क्या है, कंट्रोल है। अब मेरी बात समझना सर, हमारे कंपनीज एक्ट में सब्सिडरी कंपनी ने की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है? और मैं यहां पे कहता हूं कि सब्सिडरी कंपनी अगर मुझे किसी को बनाना है, एक्स लिमिटेड को अगर वाई लिमिटेड में कंट्रोल लेना है, एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड में कंट्रोल लेना है, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे कंट्रोल करना है इस कंपनी में, तो कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। वैसे आपको देखा जाए तो लॉ में सिर्फ दो दिखे हैं, ठीक है, तीसरा एक्सप्लेनेशन में है। तो टोटल मिला के अपने पास क्या है, तीन मोड है कि हम तीन तरीके से एक्स लिमिटेड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कंट्रोल, पहला तरीका क्या है सर, मैं एक्स लिमिटेड के
50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ज्यादा ओनरशिप, बोले तो इक्विटी शेयर होल्डिंग अगर होल्ड करता हूं, इक्विटी शेयर होल्डिंग अगर होल्ड करता हूं तो उस केस में वाई लिमिटेड मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी, माना जाएगा कि वाई लिमिटेड पे कंट्रोल किसका है, मेरा है। पहला कौन सा तरीका सर, अगर मैं वाई लिमिटेड की 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड करता हूं तो उस केस में मैं क्या माना जाऊंगा कि मैं उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हूं और वाई लिमिटेड मेरे लिए क्या है, सब्सिडरी है, पक्की बात। दूसरा सर, मैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का, कंपोजिशन की पावर रखता हूं, अगर मेरी कंपनी के पास उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन की पावर है, मतलब कभी भी मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, मेजोरिटी डायरेक्टर्स को मैं निकाल सकता हूं या मेजोरिटी डायरेक्टर को मैं अपॉइंट कर सकता हूं, तो उस केस में भी सर अगर कंपनी चलाने वाले ही मेरे कंट्रोल में है तो भी मैं कंट्रोल कर रहा हूं, और कंपनी के मालिक मेरे कंट्रोल में है तो भी मैं कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं। दोनों में से कोई भी तरीका अगर आपने अडॉप्ट कर रखा है एज पर लॉ, तो आप माने जाओगे उस कंपनी की होल्डिंग और वो कंपनी मानी जाएगी आपकी सब्सिडरी। बात समझ आ रही है? ये कितने तरीके हैं? दो। ये आपको लॉ में डेफिनेशन में मिल जाएगी, ठीक है। पहला, या तो आप किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग कितने परसेंट होल्ड करते हो, 50% या 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। और दूसरा है, अगर आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज, मतलब उनको निकालने या रखने, अपॉइंटमेंट या रिमूवल का राइट रखते हो, पावर है आपके पास, तो आप उस कंपनी के क्या माने जाओगे, होल्डिंग कंपनी। बेटा ध्यान समझना, ये चैप्टर ना जो होने वाला है, ये चैप्टर अगर मैं बात करूं, जब मैं सीए में था 2016 के फाइनल के एग्जाम में, तब ये सीए फाइनल में था, ठीक है, ये चैप्टर, और तब ये इंटरमीडिएट जैसी जगहों पे, एग्जीक्यूटिव जगह पे नजर नहीं आता था, और सीए फाइनल में ये इसमें से एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, 3 घंटे की हमारी क्लासेस चलती थी और अप्रोक्स 3 घंटे की क्लासेस में 20 लेक्चर लगते थे, ठीक है, इस अकेले चैप्टर में। सीए फाइनल का सबसे टफेस्ट और सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता था ये, ठीक है। अभी इसको उठा के तुम्हारे लेवल पे डाला, सीए में इंटरमीडिएट लेवल पे डाल दिया और तुम्हारे में एग्जीक्यूटिव लेवल पे डाल दिया, ठीक है, वहां से हटा दिया, उस लेवल का तो नहीं डाला बट डाला हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा होने वाला है कि सर ये चैप्टर थोड़ा सा ना धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता जाएगा, क्योंकि इसमें काम बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन मेरी बात समझना, ये चैप्टर आपका मोर देन प्रैक्टिकल है, आपको जाते ही कंपनी में सबसे पहले इसका सामना करना पड़ेगा। आपको अकाउंट्स बनाने आते हैं नहीं आते हैं, आपको कंसोलिडेशन करना आना चाहिए, ठीक है, ये चैप्टर यहां पे डालने का। और हमारे एग्जाम में इसकी वेटेज अगर मैं बात करूं तो हर बार के टाइम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन से 5 नंबर एक्सपेक्टेड है। और आपको मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि इससे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअली आ रहे हैं। हो गई बारिश शुरू, है ना, मस्त वाली चले बाहर। हाँ जी, सुनना मेरी बात। तो सर इसमें से चैप्टर आने, मतलब इसमें से आने वाले हैं क्वेश्चंस अच्छे खासे, ठीक है। पहले मैं इनको थोड़ा सा लेट डील करता था, क्यों, क्योंकि पहले थोड़ा अकाउंट्स का फ्लो बना दें फिर डील करता था। अभी कुछ बच्चों की डिमांड थी, कुछ पुराने बच्चे हैं और कुछ रिकॉर्डिंग जिनके पास पुरानी है, वो थे कि सर कंसोलिडेशन आपका बहुत पहले से नहीं हुआ, एक ही बार कराया मैंने, उसके बाद से कंसोलिडेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा सर कंसोलिडेशन शुरू करते हैं, बट अभी याद रखना मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको आई नींद तो ये चैप्टर उड़ा देगा आपके तोते, क्लियर है, नींद या फिर कुछ भी चीज। मैं कह रहा हूं अगर आपने एक क्लास भी मिस करी तो अगली क्लास में समझ नहीं आने वाली, और इस बात की मैं अभी गारंटी दे रहा हूं कि आज जो बच्चे मिस कर गए हैं उनको अगली क्लास में कंसोलिडेशन का सी भी समझ नहीं आएगा, गारंटी है, गारंटी है। तो उनको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि बेटा पहले पहली क्लास का या तो बैकअप देख के आ जाओ, ठीक है, तब आना, वरना अगली क्लास में कंसोलिडेशन नहीं समझ आने वाला। क्योंकि अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो मेरे साथ सोचोगे कि सर ये चैप्टर है कैसा, ठीक है, अभी तो आपको लग रहा है थ्योरेटिकल चलता जाएगा लेकिन ये चैप्टर मोर देन प्रैक्टिकल है, ठीक है, सुनना मेरी बात। तो मैंने क्या क्या बातें बोली, आराम आराम से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं किसी कंपनी को कंट्रोल करूं तो वो कंपनी मेरी क्या बनेगी, जल्दी बोलो, होल्डिंग या सब्सिडरी, सब्सिडरी। और मैं उस कंपनी की क्या कहलाऊंगा, होल्डिंग या पेरेंट कंपनी। कंट्रोल रहने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, लॉ में 2 हैं, कौन कौन से, या तो मैं उसकी शेयर होल्डिंग, कौन सी वाली, प्रेफरेंस या इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डिंग कितने परसेंट, 50% से ज्यादा होल्ड करता हूं, 50% कर रहा हूं, दिक्कत है, 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा हूं तो उस केस में वो कंपनी मेरे लिए क्या बन जाएगी, सब्सिडरी, या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोज करने की पावर मेरे पास है तो मैं क्या बन जाऊंगा, दैट इज होल्डिंग। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे नहीं, मेजोरिटी, अगर 50% से वही ज्यादा वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट मेरे पास है तो उस केस में मैं बन जाऊंगा क्या, सब्सिडरी, मैं होल्डिंग और वो सब्सिडरी। तीसरा समझना, ध्यान सुनना, मैंने कहा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी ने सपोज वाई लिमिटेड को होल्ड कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, मतलब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 70% होल्डिंग लगा रखी है,
70% शेयर होल्डिंग खरीद रखी है, मुझे जल्दी बताओगे वाई लिमिटेड क्या हो गई सब्सिडरी और एक्स लिमिटेड क्या हो गई होल्डिंग, पक्की बात है। अब मैंने कहा वाई लिमिटेड ने आगे जेड लिमिटेड में पैसा लगा रखा है और इसने इसमें 60% होल्डिंग लगा रखी है, तो इस बार वाई लिमिटेड क्या हो गई जेड लिमिटेड के लिए होल्डिंग, पक्की बात है ना, और जेड लिमिटेड क्या हो गई सब्सिडरी, क्लियर है। और सर एक्स लिमिटेड अपने आप जेड लिमिटेड की क्या मानी जाएगी होल्डिंग, बात समझ रहे। कहता है सर 50% होल्डिंग लॉ में बात लिखी है, और ये एक्सप्लेनेशन क्यों है, एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, उन्होंने लिखा है 50% होल्ड, मोर देन 50% होल्डिंग आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड करते हो किसी भी कंपनी में, तो वो कंपनी आपकी क्या मानी जाएगी सब्सिडरी। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में डायरेक्टली होल्ड करती है, लेकिन जेड लिमिटेड में थ्रू वाई लिमिटेड बोले तो इनडायरेक्टली होल्ड करती है, तो वाई लिमिटेड भी सॉरी जेड लिमिटेड भी एक्स लिमिटेड की क्या मानी जाएगी होल्डिंग। तो मैं कह सकता हूं एक बात और कि सर सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी, बोलो हाँ या ना, कुछ गलत कहा मैंने, क्या बोला, अगर मेरी सब्सिडरी और उसकी सब्सिडरी है तो सर मेरी वो क्या मानी जाएगी सब्सिडरी, मतलब अगर चेन बनती चली गई तो सर वो चेन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मैं होल्डिंग रहूंगा ही रहूंगा, क्लियर है, जब तक वो रेशियो 50% से कम नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या रहेगी शेयर होल्डिंग। तो तीसरा तरीका क्या हो गया सर, तीसरा हो गया सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, वो भी मेरे लिए क्या मानी जाएगी दैट इज होल्डिंग। और मैं ये कह सकता हूं कि ये डायरेक्टली, अगर इस तीसरी लाइन को यहां जोड़ो तो आप बोलोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बात वही है कि अपने को। तो मेन अगर मैं बात करूं तो गिना चुना के लॉ भी दो बातें कहता है, मैं भी दो बातें कहूंगा कि शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टली होल्ड करते हो या थ्रू सब्सिडरी इनडायरेक्टली होल्ड करते हो या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने की पावर है, तीनों में से कोई भी चीज आपके पास है तो आप उस कंपनी के क्या माने जाओगे दैट इज होल्डिंग और वो कंपनी आपकी क्या मानी जाएगी सब्सिडरी। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। एक बात सुनना और, अब सर अभी तक तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप समझ रहे थे, अब मेरी बात समझना। मैंने कहा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, और इसकी सब्सिडरी है सपोज वाई, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड और पी लिमिटेड, क्लियर है। अब एज पर सेक्शन 129, ये कुछ सेक्शन है जो याद रखना पड़ेगा आपको, सेक्शन 129 के हिसाब से कंपनी क्या बोलती है, लॉ बोलता है कि एक्स लिमिटेड को अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे अपने इंडिविजुअल, दैट इज उन्हें बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीज आती हैं, किसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना पड़ता है सर, पहला बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट साथ में बनते हैं और नहीं 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 एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, पांच चीज आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और, हाँ जी नालायको कुछ तो करो, कुछ तो रैम खाओ अकाउंट पे, हाँ सर हमने कसम खाई थी कि हम अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ेंगे बट गलती से आ गया सीएस में, सर पहली बैलेंस शीट, दूसरी पीएनएल, तीसरा नोट्स टू अकाउंट उसी के साथ में, चौथी कैश फ्लो स्टेटमेंट और पांचवी होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो आपकी कंपनीज एक्ट 13 ने ऐड करा है, पहले चार ही होती थी अभी पांचवी चीज ऐड हो चुकी है जो आपको कभी नहीं पढ़नी, ठीक है ये कभी भी नहीं पढ़नी बट पॉइंट इज आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। तो अगर भैया मैं बात कर रहा हूं तो एक्स लिमिटेड को, वाई लिमिटेड को, जेड लिमिटेड, पी लिमिटेड को सबको अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जब वो अपनी अपनी बनाएंगे तो उसे बोलेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे स्टैंड अलोन। पर सेक्शन 129 कहता है कि सर जो सब होल्डिंग कंपनी है बोले तो एक्स लिमिटेड उसको अपनी स्टैंड अलोन तो बनानी पड़ेगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी, साथ में बेटा उसे क्या करना पड़ेगा जितनी उसकी ग्रुप कंपनी है मतलब जितनी कंपनीज पे वो कंट्रोल करता है उन सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के अपने साथ क्या कर देगा मर्ज, और मर्ज करके बनाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बनाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं इनकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे क्या बात करूंगा सिर्फ कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड में होने क्या वाला है सबने अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी है, जो होल्डिंग कंपनी है वो जितनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगी और अपने साथ जोड़ेगी और बोलेगी ये बन गई क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये सुबह सुबह, हाँ सर सुबह सुबह क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हो, ये बताओ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्यों है, रिकॉर्ड तो स्टैंड अलोन में बना रखे हैं, एक्स लिमिटेड ने अपने बना रखे हैं, सबने अपने अपने बना रखे हैं, एक साथ क्यों बना के दिखाना है, एग्जैक्ट, अच्छा चलो एग्जैक्ट, चलो इसने थोड़ा मैं इसको ठीक करूंगा, हाँ
कंट्रोल उन्हीं का है तो इसलिए बनाना है, और कोई कुछ एडिशन डिलीशन, बात सही कह रहे हैं, बस थोड़ी सी मैं ऐड डिलीशन करूंगा इसमें। और कोई बच्चे कह रहे हैं मोम आया सर क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गए, अच्छे खासे सो रहे थे बेड पे, हाँ इतना इतना प्यारा मौसम है, हाँ कहीं 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 पड़े होते हम रोड पे, ठीक है, बारिशों में नहा रहे होते और रील बना रहे थे इंस्टा पे, ठीक है, ये क्या क्या सुबह सुबह यहाँ बिठा दिया, दिख भी नहीं रहा बाहर हो क्या रहा है ना। सर देखना ध्यान से, दो बातें हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के, दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि सर आपको एक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिख गई, बट आप देखना चाहते हो एक्स लिमिटेड एज अ ग्रुप, कि एक्स लिमिटेड की जो ग्रुप्स है वो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। और अगर मैं इसी को थोड़ा एक्सपेंड करूं तो सर मेन रीजन ये होता है कि अगर मैं बोलूं मैं हूं सपोज एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर, ठीक है, मैंने एक्स लिमिटेड में सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने इसमें पूरा 100% पैसा लगा रखा है, क्लियर है। अब एक्स लिमिटेड ने जो पैसा मैंने दिया, दैट इज मैंने जो पैसा लगाया, इस पैसे को एक्स लिमिटेड ने किसमें लगा दिया, वाई लिमिटेड में, वाई लिमिटेड ने किसमें लगा दिया, जेड लिमिटेड में, तो अल्टीमेट पैसा किसका मूव हो रहा है, एक्स लिमिटेड अपने आप से थोड़ी ना पैदा कर रही है, पैसा किससे लिया, मुझसे, मेरा पैसा आगे कहां ट्रांसफर कर दिया, वाई को, वाई ने आगे कहां कर दिया, जेड को, तो अल्टीमेट मैं क्या कह रहा हूं सर, एक्स लिमिटेड को डायरेक्टली होल्डिंग कर रहा हूं मैं, मतलब डायरेक्टली पैसा लगा रहा हूं, और वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड में मेरा ही पैसा इनडायरेक्टली फ्लो हो रहा है। तो एक्स लिमिटेड में तो बात समझ आ रही है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मुझे ये बताओ ओवरऑल मेरा पैसा जहां जहां जा रहा है उस पैसे से कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज मुझे ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, क्लियर है। तो कंसोलिडेटेड का मतलब है जब शेयर होल्डर्स बात करते हैं तो कहते हैं भाई हमने आपको तो पैसा दिया था, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बताओ बताओ, साथ में आपने जहां जहां हमारा पैसा मूव किया उनको भी ऐड करके बताओ कि क्या क्या आपने कहां कहां कैसे यूटिलाइज किया और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्लियर है। तो कंसोलिडेटेड का बनाने का एक ही पर्पज है, दैट मींस हम देखना चाहते हैं एज अ ग्रुप, क्लियर है। अच्छा एक और चीज सुनना, सेक्शन 129 क्या कहता है, कंपनीज पे जो कंट्रोल होता है जो भी कंसोलिडेट करना है, अगर बोलूं एक्स लिमिटेड को जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो किन किन लोगों की बनानी है, कहता है अपनी, तो दैट इज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस को ऐड करेगा, तो सबसे पहले कहता है जितनी भी कंपनीज उसकी सब्सिडरी है, जितनी भी उसकी सब्सिडरी कंपनी है उनको ऐड करेगा। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन अभी पढ़ ली हमने, तीन तरीके से सब्सिडरी बना सकता हूं, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कहीं ना कहीं सब्सिडरी टू सब्सिडरी। दूसरा है कहता अगर आपने एसोसिएट कंपनीज भी बना रखी हैं, अगर आपकी कोई एसोसिएट कंपनी है तो उसकी भी कंसोलिडेट की जाएगी। कोई बताएगा मुझे एसोसिएट कंपनी मीन्स, जिसकी 20% मतलब मेरी कंपनी ने अगर 50% तो नहीं लगा रखा पर 20% से ज्यादा लगा रखा है तो भी मैं मानूंगा कि उसके कुछ ना कुछ डिसीजन या इन्फ्लुएंस तो करता हूं सर, कहीं ना कहीं उसको स्पेशल रिजोल्यूशन में दिक्कत तो खड़ी करता हूंगा, दैट मींस वो मेरे लिए क्या मानी जाती है, एसोसिएट। और तीसरा है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर्ड होते हैं हम, ये कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, ये सिंपल हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने कि हम दोनों मिलकर ये वाला काम करेंगे या ये प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे और इसको काम करेंगे। तो वो कहता है जो भी इन तीनों में से अगर एक्स लिमिटेड ने किसी के में काम कर रखा है, मतलब किसी में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कर रखी है, 20% से ज्यादा कर रखी है या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन सबको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एड करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। एमसीक्यू यहां पे बनेगा कि सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐड होती हैं, तो सब्सिडरी की ऐड होती हैं, एसोसिएट की होती हैं और जॉइंट वेंचर की होती हैं, और होल्डिंग की अपनी तो खुद की होंगी होंगी, ठीक है, अपनी तो होंगी होंगी। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब्सिडरी। हमारे कोर्स में क्या है, सब्सिडरी। तो अगर आप देखो तो आपका चैप्टर कितना शॉर्ट हो गया, इन्होंने सबसे पहले अमलगमेशन बाहर कर दिया पूरा, ठीक है, फिर लेके आए तो उन्होंने बोला कंसोलिडेशन में भी सिर्फ सब्सिडरी की बात करेंगे, और सब्सिडरी में भी अगर बात करूं तो सर सब्सिडरी में भी बड़ा पंगा है, ठीक है, मैं एक्स लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में हेल्ड करती है और वाई लिमिटेड उल्टा मेरे में हेल्ड करती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग, वो हमारे टॉपिक में नहीं है। तो कंसोलिडेशन भी आपके में थोड़ा बहुत कम लेवल का दिया हुआ है, बट जितना दिया है सफिशियंट है, ठीक है, जितना दिया है सफिशियंट है। अब कुछ बातें थोड़ी सी नोट कर लेते हैं और फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। चलो सर का मैसेज क्या आ रहा है, हां जी लिखना सर, सबसे पहले डालेंगे कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। सर ये कैसा चैप्टर है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा क्या, वेरी 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 सिंपल,
हाँ इतना सिंपल कि बेटा मैं आज आते टाइम भी ना दो बार सोच रहा था कि आऊं या सेल्फ में दे दूं। हाँ ठीक है, मैं कहूँ बेटा ये चैप्टर सेल्फ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, हाँ जी, आपको क्या करना है, अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेशन में बोलूँ तो आपको सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी कैन एक्वायर कंट्रोल ऑन अदर कंपनी ड्यू टू फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको यहां पे तीन बातें याद रखनी है। फर्स्ट, होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग, इक्विटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, पावर टू कंपोज, कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और तीसरा कंपनी कंट्रोल अदर कंपनी इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरी, थ्रू सब्सिडियरी। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल लिख लो, एक्स लिमिटेड 70% वाई लिमिटेड में, और वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड में 60%। तो एक्स लिमिटेड क्या मानी जाएगी, वाई लिमिटेड की, सॉरी जेड लिमिटेड की सब्सिडियरी। तो ये दोनों ही इसके लिए क्या होंगी, सब्सिडियरी, ये भी सब्सिडियरी और ये भी सब्सिडियरी। ठीक है, वो डायरेक्टली और वो इनडायरेक्टली है। पॉइंट यहां पे लिखना कि अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन, एनी ऑफ द अबव, ठीक है, अगर एनी ऑफ द अबव कंडीशन कंडीशन इज सेटिस्फाई, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप एक्सिस्ट। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होती है चलो लिख सकते हैं, आगे चले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल बात करी हमने यहां पे। इस चैप्टर में लिखने का काम कम होगा मेरा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकली आते हैं, बाकी आप जब सेक्शन 129 वगैरह पढ़ोगे और अगर आपको थ्योरी पढ़नी होगी तो नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, थ्योरी वहां पर, इस चैप्टर से जो मैं वेट करूंगा वो बस उतना ही पार्ट लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं हाँ दो लेयर तक, अच्छा ये, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब पॉइंट इज, मैं सब्सिडी आगे होल्ड कर रहा हूँ, फिर वो सब्सिडी, वो फिर उसके बाद अगर आप करोगे तो वो नहीं माना था, होली ओन्ड। अब इतना लॉ में नहीं घुसेंगे ना, हमारा अकाउंट्स का मेन पर्पज हमारा ये है कि भाई, अब मेन ये है ना, अपने दायरे क्या हो जाते हैं, अपने को नहीं जज करा जाएगा कि सब्सिडी है या नहीं है, अपने सामने सब्सिडी वो बता देगा, अपने को अकाउंटिंग करनी है, क्लियर है, तो मेन चीज है। तो आप इसका लॉ पढ़ोगे तो पूरा, फिर तो पूरा पूरा चैप्टर ही है ना कंसोलिडेशन, वो पूरा मिल जाएगा सेक्शन 129। चलो आगे चले। हाँ जी, अब देखना सेकंड पॉइंट,
सेक्शन 129 का थोड़ा सा रेफरेंस देते हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अ होल्डिंग कंपनी शैल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा आपका? फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, सब्सिडरीज कंपनी. सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएट कंपनी. और थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर. तो इन तीनों को आप अगर ऐड कर दोगे होल्डिंग कंपनी के साथ तो आपकी जो बनेगी वो बनेगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल काम और अब सारे ध्यान देंगे. ठीक है, बेटा इस चैप्टर में अब मैं बता रहा हूं, जो भी ध्यान हटा दुर्घटना घटी. ठीक है ना, अगर आपने दो मिनट कॉन्सेंट्रेशन छोड़ा तो फिर आपको बातें थोड़ी अजीब लगने लगेंगी. वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बात को कई बार बोलूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बातें. ठीक है, और मैं रूल्स के हिसाब से चीजें पढ़ाता जाऊंगा. ठीक है, आप इसको लिखने के बाद बस कर देंगे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद मेरी सुनेंगे बातें. जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हाँ जी, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखेंगे. इस तरीके से दो कंपनी बना लेना है, एक बनाना एक्स लिमिटेड और एक बनाना वाई लिमिटेड. पहले देख लो कैसे बना रहा हूं, छोटी सी बैलेंस शीट समझाने के लिए बस. मैं जब भी समझाऊंगा ना तो बैलेंस शीट वही बनाऊंगा अपना टी शेप. ठीक है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं. तो टी शेप बैलेंस शीट बनाना, ये आपकी आ गई लाइबिलिटी साइड और ये आपकी एसेट साइड. ठीक है, ऐसे इधर अब बना लो आप अपना स्पेस देख के. ठीक है, एसेट और अगर मैं बोलूं तो वाई लिमिटेड के पास क्या क्या है, वाई लिमिटेड के पास अपनी शेयर कैपिटल है. ठीक है, ये सब कुछ है रुपीज इन करोड़. ठीक है, रुपीज इन करोड़. तो मैंने कहा इनके पास कैपिटल है 500 की, रिजर्व एंड सरप्लस में इनके पास जो पैसा पड़ा है वो पड़ा है 200, करंट लाइबिलिटी जो है वो है इनके पास नॉन करंट नहीं है 300 करोड़ की, टोटल हो गया 1000. ठीक है, इनके पास जो एसेट्स पड़ी हैं करंट और नॉन करंट दोनों मिला के, करंट और नॉन करंट दोनों, वो पड़ी हैं 700 की. ठीक है, और एक है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड. ठीक है, कहता है 100% होल्डिंग, 100%. एक तो ये दिक्कत करता है लिखने में, होल्डिंग ये है 300 की, टोटल हो गया 1000. ठीक है, अच्छा इसका नाम अगर चेंज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ना ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के नाम से मिलेंगे. बट ऐसा दिमाग में मत रख लेना कि एच लिमिटेड हमेशा होल्डिंग होगी और एस लिमिटेड हमेशा सब्सिडरी होगी. आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली वो आपको इसी बात से क्लियर कर देता है कि एच लिमिटेड की बैलेंस शीट दे दी और एस लिमिटेड की, तो अपने को क्लियर हो जाता है एच लिमिटेड क्या होल्डिंग होगी और एस लिमिटेड क्या सब्सिडरी होगी. चलो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन मैं ऐसे बना देता हूं, ये एक्स लिमिटेड है. अच्छा, Y लिमिटेड की बनाना फिगर. तो Y लिमिटेड की शेयर कैपिटल जो है वो है 200 और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो है इसके, रिजर्व एंड सरप्लस है वो है 100.
इसकी करंट liability जो है वो है इनकी 200 की, टोटल हो गया 500, और इनके पास जो एसेट्स हैं टोटल करंट नॉन करंट सब मिला के, करंट एंड नॉन करंट मिला के, तो वो है 500 टोटल बैलेंस शीट ये। कहता है सर आप बनाइए प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिया है मैंने, यहां से अपना अपनी बातें शुरू करूंगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लिखना बंद करेंगे और मेरी बात सुनेंगे। सर आपको दो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है इन्हें ही बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की अपनी अपनी बैलेंस शीट है। एक्स लिमिटेड की अपनी बैलेंस शीट है, वाई लिमिटेड की अपनी बैलेंस शीट है। सर एक्स लिमिटेड के लिख लिया सबने, लिख लिया ना? हाँ जी, आज ही लिखना है और एक बार ही लिखना है। अब देखना यह है कौन सा बच्चा पहले लिखता है। लिख लिया या नहीं लिखा? सर चल रहा है अभी तो, कल तक चलेगा, जल्दी। चलो अब देखो यहां से, हां जी सर एक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रही है और वाई लिमिटेड की। अब ध्यान से समझना मेरा पहला क्वेश्चन, आराम से टाइम लगेंगे, ठीक है। हाँ जी, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिख रहा है? कैपिटल दिख रही है, रिजर्व दिख रही है, करंट लायबिलिटी दिख रही है, नॉर्मल है, ठीक है। एसेट साइड में एक अजीब सी चीज दिख रही है, इन्वेस्टमेंट। क्या दिख रही है? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भैया पैसा फालतू था, इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्ट तो कहीं भी कर सकता हूं, बैंक में कर सकता हूं, कि स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैंने कहा इन्वेस्ट किया है वाई लिमिटेड में, और मैं ये बात लिख रहा हूं कि वाई लिमिटेड में मैंने 100% शेयर खरीद लिए, ठीक है, वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड मेरे लिए क्या हो गई है? होली ओन सब्सिडरी। क्या हो गई है? अगर 100% होल्ड कर रहा हूं तो होली ओन, और 100% से कम कर रहा हूं तो पार्टली ओन सब्सिडरी। अगर मेरे लिए वाई लिमिटेड दैट इज सब्सिडरी कंपनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कहीं ना कहीं एक्स लिमिटेड को अपनी बुक्स में वाई लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब कैसे बनेगी कंसोलिडेटेड, तो ध्यान सुनना मेरी बात। सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान सुनना। अच्छा ये बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कौन रहा होगा? वाई लिमिटेड या एक्स लिमिटेड, या एक्स वाई दोनों मिलके बना रहे होंगे? एक्स वाई दोनों मिलके या सिर्फ एक्स? सिर्फ एक्स भाई, यहां मर्जर अमलगमेट नहीं हो रहा कि दोनों एक साथ मिलके काम धंधा कर रहे हैं। क्लियर है? यहां वाई लिमिटेड अपना काम कर रही है, उसे कोई मतलब ही नहीं आपसे, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी क्या करना है? मर्ज करना है। तो यहां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो कौन बना रहा है? एक्स लिमिटेड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मेट मैंने बनाया, ये लाइबिलिटी हो गई, ये अमाउंट हो गई, ये एसेट्स हो गई। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से धीरे धीरे सोचना। सर जो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट लगाई है, जो एक्स लिमिटेड की शेयर कैपिटल खरीद ली हमने, ये क्यों खरीदी है? कैपिटल खरीदने के लिए या कंट्रोल खरीदने के लिए? क्या रीजन है? कंट्रोल लेना है। और कंट्रोल का मतलब क्या है? कि भैया बिजनेस को कंट्रोल करना है। क्लियर है? अब बिजनेस कंट्रोल करने का मतलब अल्टीमेट क्या है? कि उसकी एसेट्स लायबिलिटी फ्लो जो भी होंगी, एसेट्स कब आएंगी, कब जाएंगी, कैसे मूवमेंट होगा, वो डिसीजंस कौन लेने वाला हूं? मैं। कंट्रोल का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कैपिटल लेके बैठ के थोड़ी ना कंट्रोल आएगा। अगर मैं कहूं कि भैया मैं किसी चीज पे कंट्रोल करने वाला हूं, तो इसका मतलब उसकी जो भी एसेट्स लायबिलिटी वो सब अब मेरी। बोलो हाँ ना? तो अल्टीमेट जब इसने पैसा लगाया है, तो ये पैसा किस इंटेंशन से लगाया है? कि जो वाई लिमिटेड की एसेट्स हैं और साथ में जो लायबिलिटी, ये सब अब मेरे कंट्रोल के थ्रू, मेरे थ्रू क्या करेंगी? मैनेज होंगी। बात समझ आ रही है? तो जब हम कंसोलिडेट करते हैं, तो रूल नंबर वन क्या करते हैं? रूल नंबर वन याद रखना, ये धीरे धीरे मैं रूल बनाता जाऊंगा। जब भी हम कंसोलिडेट करते हैं, तो एक्स लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एज इट इज उतारेगा, अपनी तो एज इट इज उतारेगा। वाई लिमिटेड की क्या मर्ज करेगा? क्या कैपिटल ऐड कर देगा अपने में? नहीं, कैपिटल नहीं ऐड करेगा। वो क्या करेगा? वो कहेगा अल्टीमेट मैंने क्या खरीदा, अगर मैंने इस पैसे इन्वेस्ट करा तो अल्टीमेट मेरे पास कंट्रोल के नाम पे क्या आया है? अल्टीमेट आएंगे इनकी नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। मैंने कहा भाई जो मैंने खरीदा है, जो अल्टीमेट कंट्रोल किया है, वो एसेट्स और लाइबिलिटी लेके आया हूं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं सर जब कंसोलिडेट करेंगे तो एक्स लिमिटेड की शेयर कैपिटल एज इट इज, शेयर कैपिटल एज इट इज 500, ठीक है, ये एक्स लिमिटेड की। रिजर्व एंड सरप्लस एक्स, रिजर्व एंड सरप्लस एक्स लिमिटेड के एज इट इज कितने? 200। जब मैं करंट लाइबिलिटी लिखूंगा तो मैं कहूंगा सर करंट लाइबिलिटी एक्स लिमिटेड की कितनी है? 300, लेकिन
पहले मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा एसेट्स इसकी भी लिख दी कितनी 700X लिमिटेड की। अब इसमें जब मर्ज करूंगा तो मर्ज क्या करूंगा, मैंने कहा रूल नंबर वन, मर्ज हम करेंगे जो भी सब्सिडरी कंपनी है उसकी एसेट और लाइबिलिटी, क्योंकि कंट्रोल पाके अल्टीमेट मैंने क्या ऑप्टेन किया है, मैंने उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी अपने कंट्रोल में ले ली है। तो मैं जो ऐड करूंगा, मैं कहूंगा सर आज से वाई लिमिटेड की एसेट्स मेरी, एसेट्स वाई लिमिटेड मेरी कितनी 500, और ऐसे वाई लिमिटेड की लाइबिलिटी भी आज से मेरी कितनी 200। क्लियर है, पक्की बात। और इसके बदले मैंने दिया क्या, इसके बदले मेरे पास से गया क्या, इसके बदले एक्स लिमिटेड कहेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट करा दी। सर एसेट्स लाइबिलिटी वाई लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी की इन करेंगे, ऐड करेंगे, और अपने पास से जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म, क्योंकि अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट लगाने का पर्पज ही क्या था, एसेट्स और लाइबिलिटी पे कंट्रोल लेना। तो आज जब मैं एसेट्स लाइबिलिटी को अपने में ऐड कर दिया तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करूंगा, हटाऊंगा। दैट मींस मेरी इन्वेस्टमेंट अब कुछ भी नहीं रही, मैंने कहा क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने जहां लगाया था वो चीजें मैं ले आया, वो चीज अपनी बुक्स में। तो रूल नंबर वन क्या करेंगे, हम वाई लिमिटेड की सारी एसेट लाइबिलिटी को उठा के ले आएंगे, उसकी कैपिटल और रिजर्व को उठा के नहीं लाएंगे। भाई मैंने कैपिटल जरूर लगा दी है लेकिन कैपिटल के बदले अल्टीमेट एसेट लाइबिलिटी है, तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट आपस में क्या हुए हैं, कैंसल, आपस में क्या हुए हैं, कैंसल। इन्वेस्टमेंट गई, मेरी एक एसेट गई, और उनकी कैपिटल रिजर्व के नाम पे मैं क्या ले आया, एसेट्स और लाइबिलिटी। अब एक चीज देखना ध्यान से, अगर मैं देखूं तो टोटल कितना हो गया, ये 500 हो गया मर्ज करके, और ये टोटल कितना हो गया 1200। क्लियर है, आप देखोगे तो बैलेंस शीट मैच कर रही होगी, अगर आप देखो तो बैलेंस शीट मैच करेगी 1200 से 1200 से। बट यहां पर एक बात है, ध्यान सुनना, मैंने कहा पहला एसेट्स लाइबिलिटी लिया है, दूसरा सर जब आप बोलोगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट को आउट करना है, इन्वेस्टमेंट को आउट करना है, तो आप ये बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट जब जाएगी तो बदले में जो आया है वो बताइए, तो बदले में आई है नेट एसेट्स, बदले में क्या आई है नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्या इसे मैं कह सकता हूं अगर एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो यही है, बोलो हाँ है ना। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी का मतलब है इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। क्लियर है, अल्टीमेट मेरे को क्या आया, मैंने पैसा जो लगाया था वो एसेट्स लाइबिलिटी आई, या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं मैंने उनकी कैपिटल मतलब उनकी इक्विटी शेयर होल्डर फंड पूरा अपने पास ले लिया। क्लियर है, अब ये बताओ मैंने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो कितने लगाई है, 300 करोड़ रुपए दिए। क्लियर है, और अल्टीमेट मेरे पास जो आया वो 500 माइनस 200, मेरी जेब में कितना आया 300 करोड़। तो सर मुझे 300 करोड़ की चीज कितने में मिल गई, 300 करोड़ में, समझ रहे हो ना। सर ये कंसोलिडेशन, ये जो होल्डिंग सब्सिडरी होता है ना, ये आपको दिखने में लगता है कि हम उसकी सिर्फ शेयर होल्डिंग खरीद रहे हैं, पर अल्टीमेट शेयर होल्डिंग नहीं खरीद रहे होते हैं हम, शेयर होल्डिंग के नाम पे उसकी एसेट्स लाइबिलिटी अपने साथ ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि सर शेयर होल्डिंग खरीद रहे हैं तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो 300 करोड़ करी है वो कैपिटल में नहीं करी है, वो करी है एसेट्स और लाइबिलिटी में। अब ध्यान से बताना, अगर एसेट्स लाइबिलिटी की वैल्यू 300 करोड़ है, मैंने भी 300 करोड़ दिया, तो कोई फायदा या नुकसान, कुछ भी हो रहा है फायदा नुकसान नहीं, 300 के बदले 300। अगर मैं यहां पे कहता कि नहीं एसेट्स की जो मार्केट में वैल्यू है, जो भी मार्केट वैल्यू है वो 300 करोड़ से ज्यादा है, कितनी है 400, तो आप मुझे बताओ 400 करोड़ की चीज मैं 300 करोड़ में ले आया, फायदा या नुकसान, बोलो ना, आवाज आनी चाहिए। 300 करोड़ में ले आया कितने की चीज, 400 की, कितने का फायदा 100 करोड़ का। क्या ये प्रॉफिट्स रोज होने वाले प्रॉफिट है, कौन से प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। तो अगर मेरा डिफरेंस आ जाता, रूल नंबर टू में क्या करता, इन्वेस्टमेंट को आउट करता, पर इन्वेस्टमेंट को चेक करूंगा किसके साथ, कंपेयर करके नेट एसेट के साथ। अगर मैंने नेट एसेट से ज्यादा पैसा पे किया है तो मैं बोलूंगा सर ज्यादा देने का मतलब है गुडविल, ज्यादा, भाई बिजनेस कंट्रोल करते हैं ना, खरीद के लाते हैं, तो हम कहते हैं अगर मैंने ज्यादा पीसी पे करी है तो इसका मतलब गुडविल, और कम पे करी है तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, तो दूसरा जब हम काम करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट गई है उसके बदले में जो ये एसेट्स आई हैं, ये ज्यादा आई हैं कम आई हैं। अभी मेरे क्वेश्चन में दोनों क्या थी, सेम थी, इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर सर नहीं, अगर ये होल्डिंग और ये अमाउंट अलग अलग होता तो या तो कैपिटल रिजर्व आ रहा होता या क्या निकल के आ रहा होता, गुडविल। बात समझ आ रही है, ये हम करेंगे अगली बात में, पहले आप इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बात करते हैं, धीरे धीरे करते रहेंगे, ध्यान सुनो जल्दी।
सर आज हम थोड़ी इधर उधर की बातें कम करेंगे, क्योंकि मेरे को ना इसमें चाहिए कंसंट्रेशन, ठीक है। टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि धीरे धीरे आपको बनेगा आपके हाथ में, तो स्पेशली इधर उधर की बातें ना करके हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे ताकि आपका फ्लो बना रहे, ठीक है। तो आप भी स्पीड से जल्दी नोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज बातें नहीं होनी चाहिए। सर करने भी कहाँ देते हो। अच्छा आज तो मौज है, आज तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी जल्दी, है ना। सुनने में आया 1 बजे के आसपास, 2:30 बजे। हाँ तब भी 2:30 बजे, फिर भी 5 बजे से जिंदगी 2.5 घंटे तुम्हें पहले मिल गई, और क्या चाहिए। अभी मेरे बात किसकी है, नितेश सर की क्लास है सारी। अच्छा बेटा नोट हो गया, ठीक है। अभी ये रूल वूल नहीं लिखना, ये मैं अलग से लिखवाऊंगा, ठीक। सिर्फ आप क्या बनाओ, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बनाओ, बस बात खत्म। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, धीरे 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 कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स जो है ना, ये रूल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हाँ जी चल सकते हैं आगे, चले जल्दी बताना मैंने क्या करा। कंसोलिडेटेड में अभी बिल्कुल बेसिक उठाया, बेसिक में सबसे पहले क्या बात करी, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट देखो आपसे क्या पूछेगा, आपसे आपको समझ आ रहा है ना आपसे क्या पूछेगा। वो बैलेंस शीट में ये पूछेगा कि भैया कंसोलिडेटेड एसेट्स कितनी है, कंसोलिडेटेड लाइबिलिटी कितनी है, या जो डिफरेंस आ रहा है वो कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है। तो अभी दो रूल की बात करी मैंने, कहा सर जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप सबसे पहले होल्डिंग कंपनी के एज इट इज उठाओगे, जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी कैपिटल और रिजर्व नहीं उठाओगे, आप उसकी एसेट ऐड करोगे, उसकी लाइबिलिटी ऐड करोगे, और शेयर कैपिटल और रिजर्व को जो आपकी इक्विटी, ये आपकी मैं कह सकता हूं ना, यही आपकी नेट एसेट, तो बचा जो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके, जो आप चाहे डायरेक्टली ये बोलो 300 ऐसे बोल दो, या शेयर होल्डर के शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों को ऐड करके बोल दो, उसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की लगाई है तो गुडविल, कम की लगाई है तो कैपिटल रिजर्व। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे और सुनेंगे मेरे साथ में। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 2। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी हैं, ऐसे ही आपकी ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटी हैं, ठीक है। पॉइंट वही रखते हैं, ये है अपनी शेयर कैपिटल। मैंने कहा एच लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो है सपोज 700 करोड़ की, ठीक है, रुपीज इन करोड़, और रिजर्व एंड सरप्लस है 300 करोड़ का। नॉन करंट लाइबिलिटी है 200 करोड़ की, और करंट लाइबिलिटी है 300 करोड़ का। तो टोटल बैलेंस शीट हो गई है 1500 करोड़, 1500, ठीक है। यहां पर जब मैं बात करूंगा तो फिक्स एसेट, बोले तो नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट है 1000 करोड़ की, और जो आपके इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड 100%, तो वो है आपकी 400 करोड़ की, और जो आपकी करंट एसेट बाकी बची वो कितनी है, 100 करोड़। तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई 15। अगर मैं बात करूं वाई लिमिटेड की, तो वाई लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 300 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस है 200 करोड़, नॉन करंट लाइबिलिटी जो इनकी है वो है 100 करोड़ की, और करंट लाइबिलिटी जो है वो है इनकी 200 करोड़ की। टोटल कितना हो गया, 800। इधर आ जाओ, फिक्स एसेट है इनके 600 और करंट एसेट्स हैं 200, टोटल हो गया 800। आपको बोल रहा है सर कंसोलिडेट करके दिखाओ, कंसोलिडेटेड प्रिपेयर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर,
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा एक चीज और बता दूं, आपके में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूरी नहीं है, सिर्फ उसमें बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना है, पीएनएल की बात नहीं हो रही, कैश फ्लो की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो सिर्फ अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना है, और वैसे मेन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही होती है, बाकी तो सब उठा के बस एड करते जाना है, ठीक है। चलें शुरू करें, बस आप नोट करेंगे, इसके बाद आप ट्राई नहीं करेंगे एक बार। चलो मुझे बताएंगे जल्दी से सोच के, सर जो हमारी एस लिमिटेड है वो हमारी कौन सी सब्सिडरी, होली ओन या पार्टली? हां जी आवाज आनी चाहिए, कौन सी है ये? होली ओन सर। 100% होल्डिंग मैंने लगा रखी है किसमें, 100% शेयर होल्डिंग खरीद रखी है एस लिमिटेड की। अब आप ऐसे ही देखो, अगर मैं मर्ज करने वाला हूं तो रूल नंबर वन, दो मिनट के लिए लिखना बंद करो, बाद में लिखना। रूल नंबर वन क्या करेंगे हम कहेंगे एच लिमिटेड की तो एज इट इज बैलेंस शीट उतरेगी कंसोलिडेटेड में, एस लिमिटेड की क्या चीज आएंगी, क्या उसकी सारी की सारी बैलेंस शीट उठा के मर्ज कर देंगे क्या? नहीं, अल्टीमेट कंट्रोल पाया है मैंने, कंट्रोल में क्या आया है मेरे पास, उसकी एसेट्स आई है और उसकी लाइबिलिटी आई है, तो सारी एसेट एड कर दूंगा अपने पास, सारी लाइबिलिटी ऐड कर दूंगा। और रूल नंबर टू क्या करूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैंने खरीदा है ये चेक करूंगा वो महंगे में खरीदा है या सस्ते में। तो मैंने खरीदा है 400 करोड़ में, और जबकि उसकी कैपिटल और रिजर्व, अगर नेट एसेट बोलो तो नेट एसेट मतलब नेट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी, नेट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी, तो कैपिटल और रिजर्व अगर मिला के देखो तो 500 करोड़। अब ये बताओ 500 करोड़ की चीज मैंने कितने में खरीद ली है, 400 में, तो ज्यादा महंगा या सस्ता? सस्ता, तो सस्ता क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। अब कैसे करना है, बहुत सिंपल काम, सबसे पहले क्या करेंगे हम कहेंगे सर कंसोलिडेटेड बनाएंगे, तो कंसोलिडेटेड में लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट किसकी बन रही है, एक्स लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड की जब बनाओगे तो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल, लिखोगे नहीं आप, दो मिनट देखो, शेयर कैपिटल 700 करोड़, ये एक्स लिमिटेड की आएगी, मुझे जल्दी बताना क्या इसमें मैं सॉरी एक्स लिमिटेड लिख रहा हूं मैं यहां पे, एच लिमिटेड की आएगी, क्या इसमें एस लिमिटेड ऐड करूं या ना करूं? हां जी कैपिटल उसकी मेरी कैपिटल हो जाएगी क्या? नहीं, कैपिटल थोड़ी ना मेरी होगी, कैपिटल तो उनकी, मैंने पैसा लगाया उसमें, वो मेरा थोड़ी ना होगा। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्या उसके प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट से नहीं लेना देना हमें, किससे लेना देना हमें है कि हमने कितना पैसे में क्या चीजें ली हैं, तो प्रॉफिट भी हमारा ही 700, ये भी 300, ये भी। हाँ जब नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करूंगा तो उसमें बोलूंगा एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड दोनों की ऐड करके, तो बताओ कितनी है, 200 इनकी है 100 इनकी है, तो टोटल कितनी हो गई 300। करंट लाइबिलिटी की बात करूंगा तो बोलूंगा टोटल बताइए एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की दोनों को मिला के कितनी हो गई, तो 300 और 200 टोटल कितनी हो गई 500। जब मैं फिक्स एसेट की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा फिक्स एसेट में एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों को ऐड करके बताओ, तो 1000 और 600 दैट इज 1600। करंट एसेट की बात करूंगा तो करंट एसेट में भी आप बोलोगे एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों, तो मैं बोलूंगा 100 और 200 बोले तो 300। अब इन्वेस्टमेंट, जल्दी बोलो इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं आएगी? सर इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आउट, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ना, कैपिटल रिजर्व आएगी, इन्वेस्टमेंट जाएगी, और इन्वेस्टमेंट के बदले आप करोगे कंपेयर, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसे क्या बोलते हो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कि आपने जो कंट्रोल पाया है उसकी कॉस्ट कितनी है, आपको महंगे में मिला या सस्ते में मिला। तो मैंने कहा ये बताओ इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी, तो इन्वेस्टमेंट जो मेरी बुक्स में आ रही है वो कितने की आ रही है, सॉरी 400, दैट इज 400 करोड़, मैंने बोला 400 करोड़ की, क्लियर है। माइनस करोगे इसके बदले में आया क्या, तो मैंने कहा इसके बदले में आया नेट एसेट ऑफ द एस लिमिटेड, नेट एसेट ऑफ एस लिमिटेड, और नेट एसेट को मैं अब बार बार नेट एसेट नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा इक्विटी, और इक्विटी मतलब एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल प्लस एस लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस, पक्की बात है ना, बात वही बनेगी घुमा फिरा के। तो आप बोलोगे टोटल कितना है 500, अब 500 में मैं 100% मालिक हूं, तो 500 का 100% कितना हो गया 500 करोड़, पक्की बात। अब मुझे बताओ अगर आपको नेगेटिव देखो तो ऐसे लगेगा लॉस हो रहा, लॉस नहीं है, नेगेटिव लॉस थोड़ी ना है। यहां देखो इन एसेट कितने की है 500 करोड़ की, और पैसा कितना लगा है 400, तो इसका मतलब 100 करोड़ मैंने क्या दिया है कम, क्लियर है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है कैपिटल रिजर्व, अगर पॉजिटिव आएगा तो गुडविल, नेगेटिव आएगा तो कैपिटल रिजर्व। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपने पैसा ज्यादा दिया है और एसेट्स कम आई हैं, तो जो एक्स्ट्रा दिया वो किसकी वजह से दिया होगा, गुडविल की वजह से, और अगर कम दिया है तो इसका मतलब ये क्या है फायदा। अब फायदा है तो बताओ कहां जाएगा, रिजर्व है, तो रिजर्व आपकी एसेट्स में शो होती है, लाइबिलिटी
रिजर्व कहां से होती है, एसेट्स में थोड़ी ना शो होंगी। आप बोलोगे सर देखो ना आपने अल्टीमेट 600 और 800 और 600 रुपए की एसेट्स, सॉरी कितना 800 और 300, 500 रुपए की एसेट लेके आए और बदले में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी गई है 400, तो आप जो फर्क पड़ेगा वो डालोगे रिजर्व एंड सरप्लस के आसपास, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट वन। कितने का फायदा आपको हुआ है 100, क्लियर है। अगर गुडविल होती तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आती और रिजर्व है फायदा हो रहा है तो वो किधर आएगा क्रेडिट, दैट इज बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। टोटल बताओ कितना आ गया 1900, ये आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। सर बैलेंस शीट तो मैच होगी ना, अगर आप नॉर्मली देखो तो आपने क्या करा, एसेट्स ऐड कर दी, लाइबिलिटी ऐड कर दी, उसकी कैपिटल हटा दी, ठीक है, तो आपकी सारी मैच होगी उसकी। और फिर आपने कहा मेरी बुक से इन्वेस्टमेंट हटी, तो मेरी बुक से इन्वेस्टमेंट जो हटी 400 की, तो 100 का डिफरेंस आ गया, उसको मैंने क्या तो कैपिटल रिजर्व बना दिया या गुडविल। चलो नोट करो फटाक से जल्दी। सर सर एक क्वेश्चन ना हमें भी करवाओ, हाँ हम सुबह से आए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं बैठे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमसे भी करवाओ। बच्चे बोले और मैं क्वेश्चन ना करवाऊं। चलो जी जल्दी नोट करेंगे फिर एक क्वेश्चन आप ट्राई करने वाले हो फटाक से। बेटा बुक्स मेरी तरफ से जा चुकी हैं, ठीक है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, परसों भेजी है मैंने, ठीक है, तो आपको एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, जैसे भी होगा एक बार लक्ष्मी सर से या रेनू मैम से बात कर लेना, वो बता देंगे आपको बुक कब मिल जाएंगी जिनकी भी रह रही होंगी, ठीक है, थोड़ा लेट मेरी तरफ से ही हुआ है, ठीक है, और उसमें रिडेम्पशन का चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपडेट कर दिए, ठीक है, तो जो भी है कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो जिनके पास पुराना मॉड्यूल है वो सिर्फ आंसर्स चेक कर लेगा, आंसर्स थोड़े से डिफरेंट हो गए बस और कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे इस क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं तो ये आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक जब भी क्वेश्चन पूछा है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से पूछा ही पूछा है, ठीक है। चलो करें आगे, हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करोगे जल्दी से बोलो हाँ या ना। हाँ जी आवाज ही नहीं आ रही, कह रहे नहीं सर हम नहीं करें, करोगे या नहीं करना है, करना है, चलो जी हाँ सर नहीं भी बोलोगे तब भी करवाऊंगा मैं, टेंशन क्या है। सीएमए कोई बताएगा मुझे पेज नंबर क्या है कंसोलिडेशन का बुक में, कितना 140, अच्छा 243, हाँ जी सर ये सब आपकी थ्योरी है जो आप पढ़ोगे, मेन आप मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर देखने वाले हो, इधर वाला देख लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9,
ठीक है, आप करने वाले हो, आप एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे फिर आराम से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट आपको ऐसे बनाना हो ऐसे बना लेना, ये है आपका शेड्यूल थर्ड का फॉर्मेट, ठीक है। और अपन लोग जो समझा रहे थे वो नॉर्मल पुराना फॉर्मेट था, ठीक है। तो अपने को बैलेंस शीट बनाने को नहीं आ रही, तो इसलिए अपने को कोई टेंशन नहीं है कि भैया कैसे बनाना है, ठीक है। आपको जैसे ही बनाना है मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा है एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दो कंपनी है, आपको एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया, एच लिमिटेड का करंट लाइबिलिटी है, टोटल अगर देखो तो 14 लाख को आपको दिख रही है ये, ठीक है, एसेट्स। उसके बाद फिक्स एसेट नॉर्मल है, इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर किसमें है, एस लिमिटेड के। भाई ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसकी बुक्स में आ रही है, एच लिमिटेड की। एस लिमिटेड की बुक्स में आ भी नहीं सकती क्योंकि एस लिमिटेड होल्ड नहीं करेगा, क्रॉस होल्डिंग आपके चैप्टर में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 4,50,000 की कैपिटल जो मतलब 100% जो नेट एसेट खरीदी है वो कितने में खरीदी है, 4.5 लाख में आपको पूरी बैलेंस शीट दी। अब आप ऐसे ही देख लो, देखो अगर आप देखना चाहो तो आपके लिए तो एमसीक्यू क्वेश्चन, आप ऐसे ही देख के बताना मैंने रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आ रहा है या गुडविल आ रहा है, सस्ते में खरीदा या महंगे में। तो आप क्या देखोगे, आप कहोगे सर जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे एस लिमिटेड को कितने में एक्वायर किया है, तो 5-4 लाख की उसकी नेट एसेट है। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो या सीधा उठा लो क्या इक्विटी, बोले तो शेयर होल्डर फंड। तो 4 लाख की चीज मैंने कितने में खरीदी है, 4.5 में, तो सस्ता या महंगा, कितने का, 50, कहां जाएगा गुडविल, क्लियर है। और बाकी जब ऐड करोगे तो क्या ऐड करोगे, आप कहोगे सर ऐड होंगी आपकी ये करंट लाइबिलिटी ऐड होंगी, फिक्स एसेट ऐड हो जाएगी साथ में, फिक्स एसेट ऐड जाएगी साथ में और करंट एसेट ऐड जाएगी। तो होल्डिंग कंपनी की जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में आप फिक्स एसेट, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ये ऐड कर दोगे, और इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड की बुक से बाहर, शेयर कैपिटल रिजर्व का कुछ नहीं करना, कंपेयर करके देखना है क्या आएगा, गुडविल आ रहा है, गुडविल आ जाएगी एसेट साइड में कितने में, 50,000 में, क्लियर है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है जल्दी से अगला 10, ये मैथ नहीं ये नहीं करोगे आप, ये नहीं करोगे, जल्दी से 8 फटाक से करके दिखाओ, सारे करके दिखाएंगे, ये पेन चलाओ जल्दी से, ठीक है, सेम उसी की तरह करके दिखाओ जल्दी। हाँ जी, ये वाला ऊपर, ये शायद ऊपर नहीं हो बेटा, ये इससे ऊपर तो नहीं होगा, जूम करता हूं मैं, अभी विजिबल है, जल्दी स्पीड से, जिसका भी आंसर आ जाएगा वो टोटल बताएगा बैलेंस शीट का कितना टोटल आ रहा है। सर तब तक आप क्या करोगे, मैं चलाऊंगा फोन, बहुत बढ़िया, ये हमारी क्लास से आवाज आई है, कितने ले, कितना, 7 लाख, 7,50,000 नहीं बच्चे, 7,50,000 नहीं बेटा, अच्छा हाँ हाँ ओके सेकंड, 30 और 60, 30,000 कितने का, कितने का आ रहा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, हाँ जी 20,000 की आपका क्या आ रहा होगा कैपिटल, क्योंकि 1,70,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल है और मैंने खरीद लिया उसे 1.5 लाख में, तो मैंने 20,000 सस्ते में खरीद लिया, तो वो क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। हुआ या नहीं हुआ है पक्का, अगर किसी को भी यहां से बात नहीं समझ आई प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर वापस आना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी बात नहीं आ रही समझ में, एक और तरीके से समझा देंगे, लेकिन पॉइंट इज समझ आना चाहिए, क्लियर है। और सर ये अभी सिर्फ शुरुआत है चैप्टर की, ठीक है, अभी कहानी तो बहुत आगे है, हाँ अभी तो तोते उड़ने बाकी हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्या क्या बातें हुई, हमने दो रूल बात कर ली, पहली जो भी सब्सिडरी कंपनी है उसकी सारी एसेट लाइबिलिटी अब हमारी, क्लियर है, 100% सब्सिडरी की एसेट लाइबिलिटी सारी हमारी, बदले में हम क्या देंगे इन्वेस्टमेंट गई,
और इन्वेस्टमेंट जाएगी तो उसको कंपेयर करेंगे उनकी नेट एसेट बोले तो इक्विटी से, अगर हमने ज्यादा पे किया है तो गुडविल, कम पे किया है तो कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट, बात खत्म, क्लियर है। चलें एग्जांपल नंबर थर्ड करने जा रहा हूं और इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर थर्ड नोट करेंगे आप साथ में, एच लिमिटेड, एसेट, अमाउंट, अमाउंट और लाइबिलिटी, ठीक है। आपको दिए शेयर कैपिटल नॉर्मल अगेन 700, रिजर्व एंड सरप्लस 300, नॉन करंट लाइबिलिटी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मेरी ये चांसी राइटिंग कब दाग से मुक्त होगी, कुछ ज्यादा ही दाग नहीं हो गए इसमें सर? एक्चुअली ना दो दो बार लिखना पड़ जाता है कई बार मुझे यहां पे, तो वो होती है ओवरराइटिंग। सर जस्टिफाई कितना भी कर दो है तो अच्छी आपकी, हाँ क्या शेयर कैपिटल 700 नालायक, मतलब इनको मैं अगर बात कर दूं हाथ उंगली पकड़ा दूं तो ये पूरे हाथ पकड़ने को तैयार है कि हाँ सर हम अब हम करेंगे बेइज्जती, जो हमने दबा रखा है अंदर कि हाँ सर आपकी राइटिंग चांसी है। क्या था? नॉन करंट एसेट, नहीं नॉन करंट नहीं लिख रहा मैं, फिक्स एसेट लिख रहा हूं क्योंकि नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है, तो यहां लिखूंगा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट। ये टोटल कितना हो गया है? ये 15 हो गया ना, तो ये ले लो 900 की, और इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड इस बार 80%, 100% पैसा नहीं लगाया इस बार, कितना लगाया 80%, और 80% लगाया हमने 500 का, और बाकी की जो है वो है करंट एसेट। ठीक है, ये कितनी हो गई 100, चल जा भाई 100, एस लिमिटेड में आना जल्दी से, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, छह सौ, 200, नॉन करंट लाइबिलिटी 100 और करंट लाइबिलिटी 150, इधर हो गया फिक्स एसेट 850 और करंट एसेट, टोटल बताना कितना आ रहा है, 1050, तो ये आ जाएगा 200, ये हो गया 1050। कह रहा है प्रिपेयर करके दिखा दो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर सर इसमें क्या नया है? हाँ जी बताओगे मुझे क्या नया पॉइंट डाला है मैंने इसमें? सर इस बार मैंने होल्डिंग कितनी कर दी है 80%, अभी तक जितने क्वेश्चन करा रहा था सब में क्या कर रहा था 100% होल्डिंग, अब की बार जो मेरी कंपनी है वो मेरी होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है, वो मेरी क्या है पार्टली ओन्ड है। अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाना सर, इतना लिख के बस रुक जाना दो मिनट के लिए और अब कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अब ये लास्ट बेसिक बात है, फिर उसके बाद थोड़ी एडवांस बातें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये लास्ट बेसिक है, ध्यान समझना, हम बनाते हैं बैलेंस शीट अपनी एच लिमिटेड की, हाँ जी बैलेंस शीट बनाते हैं एच लिमिटेड की, और ये अपने को पता है कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड है, ठीक है। ये अपने पास अमाउंट हो गया, ये एसेट्स हो गई, ये अमाउंट हो गया और ये लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। चलो मेरे साथ ध्यान से बात सुनना सर, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं मुझे बताते जाना। मैंने कहा फिक्स एसेट, पहले मैं लिख रहा हूं किसकी, सिर्फ एच लिमिटेड की, तो आपको 850 आ गई, ठीक है। फिर आपने बोला करंट एसेट में कितनी आ गई 200, मैंने कहा इधर शेयर कैपिटल की बात करूं तो ये तो प्रॉपर भारी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी आपने लिख दी अंदर 200 और करंट लाइबिलिटी आपने लिख दी अंदर
300, मैंने अभी कोई कंसोलिडेशन का काम नहीं किया, अगर मैं यही फिगर बाहर लिख दूं तो बताना मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी या नहीं करेगी? हाँ, कौन बोल रहा नालायक? नहीं, क्या क्या क्यों मैच नहीं करेगी हरामखोर? वही तो एच लिमिटेड की पूरी बैलेंस शीट छाप दी मैंने। हाँ कह रहा नहीं। हाँ कहां पे? अच्छा ओ हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे तुम। हाँ अभी ठीक है। और ये कितनी हो गई? ये 100, ठीक है। हाँ भावनाओं को समझो, अब बताओ मैच करनी है ना? करनी है, करनी है, ठीक है। एच लिमिटेड की सिंपल सी बात है, ध्यान सुनना, अब मेरी बात सुनना, दो मिनट के लिए। अपन लोग सबसे पहला रूल क्या लगाते हैं कि सर एस लिमिटेड की सारी एसेट लाइबिलिटी मेरी, फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसमें 100% होल्ड करता हूं या 70%। मैंने बोला रूल वन तो वन, बात खत्म, क्लियर है? आपने जैसे ही उस कंपनी का कंट्रोल ले लिया ना, इसका मतलब कंपनी आप चलाओगे, क्लियर है? तो इसका मतलब है सबसे पहला काम आप वही करोगे, सबसे पहले आप एस लिमिटेड की सारी फिक्स एसेट उठा के लेके आओगे 850, एस लिमिटेड की सारी करंट एसेट उठा के लेके आओगे 200, एस लिमिटेड की सारी नॉन करंट लाइबिलिटी उठा के लेके आओगे कितनी है 100, और एस लिमिटेड की सारी करंट लाइबिलिटी कितनी है 150। तो ये कितनी हो गई टोटल 450, और ये कितनी हो गई 300, ये कितनी हो गई 300, ये हो गई है 1750। बताना बैलेंस शीट मैच करेगी या नहीं करेगी? कर ही नहीं सकती, अभी कैसे मैच करेगी? अभी तो मैंने यही नहीं देखा कि इन्वेस्टमेंट गई है तो उसके बदले में फायदा या नुकसान, क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं सर फायदा निकालते हैं, तो हम निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या निकालने वाले? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मुझे बताना इस बार जो इन्वेस्टमेंट की कीमत है, ध्यान से बताने जाना, इन्वेस्टमेंट की कीमत है वो इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है हमने? तो एच लिमिटेड की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है 500 करोड़ की, इसका मतलब मैंने जो खरीदी है वो कितने में खरीदी है? 500 करोड़। इसको कंपेयर करूंगा एच लिमिटेड की नेट एसेट से, पक्की बात है, माइनस करेंगे नेट एसेट, बोले तो इक्विटी, बोले तो इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। तो आप बोलोगे एस लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? टोटल 800 करोड़ की है। टोटल कितनी है? 800। पर मुझे सारे बच्चे ये बताओ, क्या मैं 800 का मालिक हूं क्या? हां जी, मैंने कितना खरीदा है? 80%। तो कंपैरिजन भी कितने से होना चाहिए? पूरे 100% से होना चाहिए या 800 से, मतलब 80% से? 80%। क्यों सर? आप तो अभी कह रहे थे कि सारी एसेट्स लाइबिलिटी हमारी, फिर आप यहां पे तो कंपेरिजन, भाई यहां पे मैं ये नहीं देख रहा कंट्रोल, यहां पे मैं ये चेक कर रहा हूं महंगे में मिला या सस्ते में। तो आप बोलोगे 800 का 80%, बताना कितना आया? 640। 640 की चीज मैंने कितने में खरीद ली? 500 में। फायदा या नुकसान? फायदा। कितने का फायदा? कैपिटल रिजर्व डालोगे आप कितना? 140। पहले आपको यह बात समझ आई कि सर अगर होली ऑनडो 100% हो या 100% से कम हो, एसेट्स लाइबिलिटी सारी ऐड होंगी, रूल नंबर वन एज इट इज लगेगा। रूल नंबर टू को जब आप निकालोगे, इन्वेस्टमेंट को आउट करोगे, तो कंपेयर करोगे जितना परसेंट आपने राइट खरीद रखा है, पक्की बात है। अब तीसरी बात समझना, सर हमें यह बात नहीं समझ आ रही, ये चलो आपने यहां पर लिख लिया, आपने लिखा कैपिटल रिजर्व, यहां पर लिख दिया कैपिटल रिजर्व कितने का? 140। अभी भी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, क्यों? क्यों नहीं मैच करेगी? ध्यान समझना सर, आपने इस कंपनी में, सारे बच्चे दो मिनट कॉन्सेंट्रेट, एस लिमिटेड में 80% होल्डिंग खरीदी है, इसका मतलब है 20% किसी और का पैसा है, बोलो हाँ या ना? आपने एसेट्स पूरी 100% ऐड कर ली, ये तो गलत कर दिया आपने। जब आपने 80% लगाया तो एसेट्स भी कितनी होनी चाहिए? 80%। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? कह रहे हो भैया 80% लगाऊं या 51% लगाऊं, मैं कंपनी का मालिक, That is, अब कंपनी मेरे कंट्रोल में, तो जो 49% वाले बचे हैं वो सब लोग क्या है? आउटसाइडर हैं एक तरह के, उनका उनकी उनके नाम से सिर्फ मैंने क्या ले रखा है? पैसा। इन लोगों को हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। मेजर शेयर होल्डिंग मेरे पास, उसके बाद जो बचा वो क्या है? माइनॉरिटी। और उनको मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं भाई आपने जितना पैसा लगाया ना, ये मान लो कि मैं आपका पैसा वो वापस कर दूंगा, ठीक है? आपकी सारी जो एसेट्स लाइबिलिटी वो 100% मैंने ले ली, जितना मेरा था वो तो मेरा है ही, जो आपका है वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो वो कैसे पे करूंगा आप बताना? आपने बोला 80% हमारा, तो भाई बाकी कितना बचा? 20%। 20% को आप क्या बोलोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये कैसे निकालोगे? आप बोलोगे एस लिमिटेड की जितनी नेट एसेट है उसमें 80% मेरा था और बाकी कितना है? 20% आपका है, तो 20% बता दो कितना है। तो मैंने कहा जो नेट एसेट ऑफ एस लिमिटेड है उसका, उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर, तो शेयर
ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन नेट एसेट ऑफ एस लिमिटेड। तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 800 करोड़ की टोटल थी लेकिन उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 20%। इसका मतलब कितना आ गया? ₹160। ये पैसा मैंने नहीं लगाया है, एसेट्स लायबिलिटी मैं जरूर ले आया लेकिन ये किसी और का लगा है और इसको मैं वापस कर दूंगा। तो मैं अपनी लायबिलिटी में दिखाऊंगा यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 160। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? मैंने क्या करा, सारी एसेट लायबिलिटी उठा लाया, जितना मैंने लगाया था उतना तो मैंने देख लिया कि भैया ज्यादा या कम में खरीदा, और जो बाकी बचा उनको मैंने अपनी लायबिलिटी में शो कर दिया कि आपका इतना एसेट लायबिलिटी मेरे पास आ गई है, मैं आपको दे दूंगा, दैट इज लायबिलिटी। देने वेने वाला कुछ नहीं हूं, ये अल्टीमेट होने कुछ नहीं वाला, ये सिर्फ क्या हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है, ताकि सामने वाला जब शेयर होल्डर पड़ेगा ना तो उसको समझ आएगा कि अच्छा एज अ होल हमने इतनी एसेट्स लायबिलिटी होल्ड कर रखी है लेकिन इसमें 160 करोड़ किसी और का है। 100 माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब 160 वो शेयर है जो हमने होल्ड नहीं कर रखा है। और अब मैच करोगे तो मैच करेगी, बिल्कुल मैच करेगी। टोटल करो चाहे 102050। क्यों मैच करेगी? क्योंकि बात वही है, आपने एसेट लाइबिलिटी 100% ऐड कर दी और कैपिटल के दो पार्ट कर दिए, 80% आपने अपने साथ कंपेरिजन कर लिया और 20% को आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में, मतलब करंट लाइबिलिटी में, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से दिखा दिया। ठीक है, नॉर्मल। चलो जी नोट करो। तो आज रुको, तो पहला रूल क्या हो गया, सारी एसेट लायबिलिटी ऐड होंगी। दूसरा रूल क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट को आउट करोगे तो क्या बनाओगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको कंपेयर करोगे नेट एसेट के साथ, जितनी नेट एसेट आपने लगाई है। बेटा दो मिनट लिखना बंद करो। हाँ जी ठीक है। और तीसरा, अगर आपने 100% होल्डिंग नहीं निकाली है तो फिर उस केस में आपको निकालना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने 51% से कम होल्डिंग करी है, मतलब मेरी होल्डिंग के बाद। क्लियर है? उनका पैसा कैसे निकालोगे, जितनी भी एस लिमिटेड की नेट एसेट होगी उसमें जितना परसेंट उनका होगा वो उनका अमाउंट अलग निकाल के लायबिलिटी में शो कर दोगे। अब इसमें एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है, तो एमसीक्यू देखो क्या क्या बन सकता है। पहले तो नॉर्मल एमसीक्यू बनेंगे, ये बनेगा आपको क्वेश्चन देगा कि भैया 80% 70% मैंने होल्डिंग कर रखी है, कंसोलिडेटेड एसेट्स कितनी होंगी। आप वहां गलती नहीं करोगे कि भैया एसेट्स को 80% कर दिया। समझ आ रहा है? अभी तक तो आपको फील आ रहा था कि हाँ भैया 100% है तो 100% ऐड हो गया। वहां एग्जाम में कैसे घूमोगे, वो कहेगा हमने 52% होल्डिंग कर रखी है बस, और एसेट जो है एस लिमिटेड की इतनी है, एच लिमिटेड की इतनी है, दोनों की कंसोलिडेटेड बताओ कितनी होंगी। तो आप क्या करोगे, आप एस लिमिटेड की एसेट का 52% कर दोगे, बल्कि वो अलाउ नहीं है। आपका जो 48% किसी और ने होल्ड कर रखा है वो आप लायबिलिटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाओगे, एसेट पूरी 100% ऐड होंगी। क्लियर है? तो पहला एमसीक्यू, जो भी एसेट हो या लायबिलिटी हो वो आपकी कंसोलिडेट होंगी 100%। दूसरा कि सर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैपिटल रिजर्व आ रहा है या गुडविल आ रही है। तीसरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ रहा है। और चौथा नॉर्मल है कि हाँ भाई बैलेंस शीट का ज्यादा वो टोटल मांग सकता है कि टोटल कितना है बैलेंस शीट का ये बता दो। क्लियर है? चलो आप इसे नोट करेंगे और फिर बाद में वो देखेंगे। देखो जल्दी, आज नए स्टूडेंट में है कोई? हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? क्लियर? आज ही नया चैप्टर शुरू हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जस्सी या तो तुझे मैं उठा के फेंक दूंगा या फोन, डिसाइड कर ले क्या हो गया। हाँ यही बर्बाद कर रहा है बस, यही है सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन। ठीक है, हाँ एक तो आगे बैठा है नालायक और ऊपर से फोन।
हाँ जी हाँ, ये हो गया डन, जल्दी स्पीड से। चलो जी, अब तो हो गया होगा, ठीक है, फटाक से लिखना बेटा, जल्दी से। आज मैं सच में आपकी क्लास ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ नहीं, सच में नहीं लूंगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी 10:30 पे इंटर वालों की क्लास है, तो सर ने बोला सुबह लेना है, क्योंकि शाम को ऑडी खत्म, खाली मतलब इनको जो भी क्विज वगैरह का कुछ प्रोग्राम करना था, तो मैंने इसलिए मॉर्निंग करा। तो भाई वही टाइम है, 10:30 पे मुझे पहुंचना है, तो बस यही है कि यहाँ से मैं 9:40 तक निकल जाऊंगा, तो स्पेशली मैं 10:30 पे पहुंच जाऊंगा, वरना होगा वहीं पे, वहां पे भी लेट, ठीक है। हाँ तो 9:24 आ गए, और आपके आपके मौज का टाइम शुरू होने लगा है कि हाँ बस 10 मिनट और, ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं लूंगा, 9:35-40 पे अप्रोक्स छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो सारे एडवांस वाले हैं, तो उनके लिए मुझे फिर प्रॉपर क्लास चाहिए होगी कम से कम 1 घंटे, तो मैं उनको टच भी नहीं करूंगा। अभी क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस, ठीक है। जल्दी बताएंगे, नोट हो गया। सर सर अब हमें दो क्वेश्चन, हाँ जी, बेस्ती, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है सर मैं पढ़ नहीं पा रही, है ना। हाँ, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन नेट एसेट ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है। करें, शुरू करें, डन, किसी का रह रहा है, जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटा, देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं, 10 तो नहीं, 10 तो नहीं, फर्स्ट अक्टूबर, एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, बट इसका आंसर याद रखना कि ये आंसर जब मैं कराऊंगा ना, तो इसमें अलग आएगा, क्योंकि इसमें एक नीचे है एडजस्टमेंट, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया है। तो जब इसके आंसर्स हम इस एडजस्टमेंट के साथ में करेंगे, तो इसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो अभी इसका आंसर जब सोल्यूशन करेंगे, तो आप डाल लेना कि जो सोल्यूशन कर रहे हैं ये विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विदाउट एडजस्टमेंट। एक बार मेरे साथ देखना, आपके बैलेंस शीट दी है एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की 31 मार्च 2019 को, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको एच लिमिटेड की नॉर्मल शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, करंट लाइबिलिटी दिया है, फिक्स एसेट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है और करंट एसेट दिया, कितने परसेंट शेयर करे हैं, 80% शेयर होल्डिंग। तो पक्की बात है इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, 20%। तो सर एस लिमिटेड की कैपिटल है 6 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस है 2.5 लाख के, तो आप ऐसे ही बता दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 8,50,000 टोटल नेट एसेट, उसका 20% क्या हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो बताओ कितना हो गया था, कितना, 1,70,000, ये क्या हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बात समझ आ रही, देखो सर बेसिक की बातें हैं, तो बेसिक समझ आएगा तभी आपको एडवांस समझ आएगा। सर अभी तो लग रहा होगा कि सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो हम कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, बट आगे जाके थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ में आएंगी, तब थोड़ी दिक्कतें शुरू होंगी, बट अभी जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर एडवांस भी समझ आना शुरू हो जाएगा। आ जाओ, मैंने कहा सर एसेट्स में अगर मैं बात करूं आपसे, दो क्वेश्चन पूछूंगी, कैपिटल रिजर्व आएगा या गुडविल, तो क्या से बताओगे। सर आपने क्या बोला, 8,50,000 में 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो बाकी हमारा बताना कितना आ रहा है, टोटल टोटल
5 लाख कितना 6 लाख 6 लाख 80 6 लाख 80 आ रही है नेट एसेट, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट जो लगाई है वो कितने की लगाई है 5 लाख की। तो सस्ते में या महंगे में कम पैसा लगाया, दैट मींस क्या हो गया कैपिटल रिजर्व, क्या हो गया कैपिटल रिजर्व। अब जब कंसोलिडेट करोगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये एसेट है ये 6 लाख ये कितनी ऐड होगी, 6 लाख पूरी ऐड हो जाएंगी या इनका भी 80% ऐड होगा, ये पूरी ऐड होंगी, ये पूरी ऐड होंगी क्योंकि सर इनका जो 80% है वो मेरा 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम पे मैं लाइबिलिटी में शो कर दूंगा। फटाक से करके दिखाओ मुझे जल्दी से, ठीक है, या इसको छोड़े होमवर्क, ठीक है। चलो मैं थोड़ी सी बातें कर ही लेता हूं, जब टाइम है तो बात कर लेता हूं एडजस्टमेंट पे। ध्यान समझना सर, ध्यान सुनना, एक बात सुनना, वैसे मैं इसको अगली क्लास में दोबारा रिपीट करूंगा, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ी सी बात क्लू करके छोड़ दूंगा। सर रिजर्व एंड सरप्लस जब मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व एंड सरप्लस किसके, एस लिमिटेड के, बोले तो सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है। तो हम इनको रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स। इन प्रॉफिट्स को बेटा प्लीज बातें नहीं, प्लीज ठीक है, ये टॉपिक बातें नहीं, अगर ये बातों में निकल गया ना तो सच में नहीं आएगी बात समझ में। प्रॉफिट और जितनी बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया बेसिक से नहीं आया है, ठीक है, मेन बात ये बेसिक से नहीं आया, बेसिक बातें हैं प्लस उन्होंने एडजस्टमेंट दिए, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ठीक है। कुछ प्रॉफिट्स को हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, क्या बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और कुछ को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। हम एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक को बोल देते हैं पोस्ट। भाई ये एच लिमिटेड नहीं कर, मतलब एच लिमिटेड के प्रॉफिट्स के साथ नहीं होगा, सिर्फ किसके साथ होगा एस लिमिटेड। अब प्री एक्विजिशन का मतलब क्या है सर, एक बात बताओ, हमने आपको बैलेंस शीट दी है, कहीं ना कहीं जो ईयर बैलेंस शीट दी है वो आपको दी है 2021-22 की, ठीक है, 2021-22 की। तो ये ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से और खत्म हो रहा होगा 31 मार्च 2022 को, पक्की बात है, हाँ नहीं। मैंने इस पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया है, इस पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया है वो सपोज कमाया है 1,20,000, कितना कमाया है 1,20,000, ये है एस लिमिटेड, क्लियर है। एस लिमिटेड ने इस पूरे साल में कितना कमाया है 1,20,000। अब सर शेयर कहां खरीदे, इंपॉर्टेंट बात ये, एच लिमिटेड ने जो पैसा कंट्रोल किया है एस लिमिटेड को वो कब किया, मैंने कहा सर एस लिमिटेड ने जो कंट्रोल किया है वो करा है 1 जुलाई 2021 को, एच लिमिटेड ने यहां पर पैसा लगा दिया, दैट इज यहां पर एस लिमिटेड को क्या बना लिया अपनी सब्सिडरी। तो आप बताना, मैं कह सकता हूं कि सर 1 जुलाई से पहले कितना प्रॉफिट कमाया होगा कंपनी ने, अगर आप ऑन एन एवरेज मानो तो आप 1,20,000 मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हर साल 10-10,000, हर महीने 10-10,000 रुपए मान के चल रहा हूं, तो बताना 1 जुलाई से अगर खरीदा है तो इससे पहले कितने महीने बीते हैं 3, ठीक है, तो इसका मतलब कह सकता हूं 30,000 प्रॉफिट कंपनी पहले कमा चुकी होगी, और जब मैंने कंट्रोल ले लिया तब उसके बाद कंपनी ने कितना कमाया 90,000। पहले ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, मैंने कहा अभी प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन में डिवाइड करना है, पर वो क्या होता है दो मिनट के लिए छोड़ो, मैंने एक कंपनी के पूरे प्रॉपर फिगर दिए कि पूरे साल उसने इतना कमाया, हमने जो शेयर खरीदे वो साल के बीच में खरीदे, तो जिस दिन खरीदे उससे पहले का प्रॉफिट कितना, उसके बाद का प्रॉफिट कितना, जो मैंने खरीदे हैं उससे पहले के प्रॉफिट को हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री मतलब एक्विजिशन से पहले, क्लियर है, और जो प्रॉफिट हमने एक्विजिशन के बाद एस लिमिटेड ने कमाए हैं उन्हें बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब जिस दिन मैंने शेयर खरीदे एच लिमिटेड ने उसके बाद से एस लिमिटेड ने जो कमाया वो क्या है पोस्ट एक्विजिशन, उससे पहले जो कमाया था वो क्या है प्री एक्विजिशन। अब आप सोच के बताना सर, जब मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, जब मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो मैं कब लगा रहा हूं 1 जुलाई को, तो आप ये सोचो एस लिमिटेड एक कंपनी नहीं एक पर्सन है, तो जब मैं एस लिमिटेड से बोल रहा हूं कि भैया आज से आपकी एसेट लाइबिलिटी मैं खरीद लूंगा, तो इसका मतलब एसेट लाइबिलिटी के मतलब उसका भैया उसकी कैपिटल भी मेरी और रिजर्व भी मेरी, मैं पैसा अल्टीमेट कहां लगा रहा हूं उसकी कैपिटल में, तो वो मुझसे क्या बोलेगी कि भाई कैपिटल का तो पैसा देना ही पड़ेगा आपको, साथ में जो हमने प्रॉफिट कमा के रख रखे हैं उसको भी तो आप ही को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो ये 30,000, अब तो देखो ना 31 मार्च को जो पूरा 1,20,000 आया वो पूरा का पूरा किसका है एस लिमिटेड का, सॉरी एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का पूरा प्रॉफिट मेरा, क्लियर है, पूरा कंट्रोल मेरा आ गया, लेकिन उसमें से 30,000 जो है वो मैंने कमवाए नहीं है, वो मैंने क्या करे हैं खरीदे हैं, वो एच लिमिटेड से क्या करें परचेज, और मैं एच लिमिटेड बात कर रहा है, और एक बार मैंने कंट्रोल ले लिया
उसके बाद जो भी काम धंधा कर रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये मैंने कहीं ना कहीं एस लिमिटेड में कमाए हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्या बात समझ आई सर? जिस दिन मैंने शेयर्स एक्वायर करे हैं उसके बाद से जो भी एस लिमिटेड कमा रही है वो सब मेरी कमाई है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल के अंदर कमा रही है, तो अल्टीमेट वो प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट, क्लियर है? लेकिन उससे पहले जो उसने कमाया वो मेरे नहीं है, पर वो मैंने अपने कैसे बना लिए, खरीद के बना लिए। वो कैसे बना लिए? खरीद के। तो हम प्रॉफिट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं प्री एक्विजिशन और एक को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है उन्हें बोलती है एच लिमिटेड की ये परचेज प्रॉफिट है। क्या है ये? परचेज। और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ये कहती है ये अर्नड प्रॉफिट है, ये हमने कमाए हैं। अब अर्नड है तो सर ये जाते हैं बैलेंस शीट में, ये जाते हैं आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। एच लिमिटेड इसे अपने साथ अपने रिजर्व एंड सरप्लस के साथ में, जगह नहीं दिख रही, एच लिमिटेड अपने रिजर्व एंड सरप्लस में इन प्रॉफिट्स को ऐड कर लेती है। अभी तक नहीं ऐड हो रहा था एक भी क्वेश्चन में, अभी तक मैं कोई भी प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहा था। और जो ये वाले प्रॉफिट है, जो ये वाला रिजर्व है, ये जाता है आपका कहां पे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। इसको आप कंपेयर करते हो किससे? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से। तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए उसमें पता है क्या अजम्पशन लिया मैंने? क्या अजम्पशन लिया कि जिस दिन आपको बैलेंस शीट दी गई है हमने शेयर उसी दिन खरीदे हैं, तो उसके बाद कुछ कमाया ही नहीं, तो वो सारे जो प्रॉफिट है वो सारे कौन से हैं? प्री एक्विजिशन, मतलब सारे ही वो क्या है? परचेज है। तो उनको मैंने इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन जहां पे मैंने एडजस्टमेंट इग्नोर करी, तो इसमें बताना ध्यान से, मैंने कहा इस क्वेश्चन में आपको दिए ढाई लाख के प्रॉफिट। कितने दिए? ढाई लाख के। क्वेश्चन कह रहा है हमने शेयर कब खरीदे? 1 अक्टूबर को। कब खरीदे? 1 अक्टूबर को। और कह रहा है आपके पास 1 अप्रैल 18 को। यह भी नहीं बात समझ आएगी क्या बोल रहा हूं मैं, पर पॉइंट यह समझना, मतलब 1 अक्टूबर 18 के बाद का जो प्रॉफिट, और बैलेंस शीट दी 31 मार्च 19, तो मैं कह सकता हूं 6 महीने का प्रॉफिट तो मैंने कमाया है, और बाकी जो प्रॉफिट होंगे वो सब क्या होंगे? मैंने परचेज किए हैं। तो आपको बस क्या ढूंढना है? इस 2.5 लाख में से 6 महीने के प्रॉफिट ढूंढने हैं, क्योंकि वो आपके क्या होंगे? कंसोलिडेट होंगे। और जो बाकी बचेंगे वो आपके क्या होंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इक्विटी, बोले तो नेट एसेट निकालते टाइम कैपिटल में रिजर्व ऐड होंगे, क्लियर? लेकिन ये काम हम करेंगे अगली क्लास में, आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये है हमारी लंबी डिस्कशन, ठीक है? आज मैं यहीं पे आपकी क्लास ओवर करूंगा, लेकिन अभी जाते जाते एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? इस टॉपिक को दोबारा मैं लूंगा स्टार्टिंग में, कल क्लास में दोबारा इसी तरीके से लूंगा, स्टार्टिंग से लूंगा, ठीक है? हाँ, एक चीज और है, थोड़ा सा मिस मत करना कंसोलिडेटेड। अब मैं अगेन कह रहा हूं भाई कि अब आप खुद बोलो, अब आज जिस बच्चे की क्लास मिस हो गई होगी, जब मैं कल ये पॉइंट डिस्कस करूंगा कि हाँ भाई प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जा रहा होगा, ये कंसोलिडेटेड, क्या उसको ये बात समझ आएगी? बात समझो, इसीलिए कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां चाहिए रेगुलरिटी और रिविजन। कल जब मैं आऊं, जब परसों मैं जब भी क्लास में आऊंगा, तो सर आप इसको रिवाइज करके आओगे। रिवाइज करने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या क्या है। अभी मैंने रूल भी नहीं लिखवाया, अगली क्लास में आके मैं रूल लिखवाऊंगा। रूल नंबर 1 क्या था? सारी एसेट 100% एसेट एस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी की कंसोलिडेटेड होगी। किसकी बुक्स में? एच लिमिटेड की। दूसरा रूल क्या था? हम अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को, एच लिमिटेड अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेगा एस लिमिटेड की नेट एसेट से, जितना परसेंट उसने होल्ड कर रखा है, क्लियर है? उसमें या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या गुडविल आएगा। तीसरा ये था, जो बाकी परसेंट बच गया वो क्या निकलेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? एस लिमिटेड की टोटल नेट एसेट मल्टीप्लाई बाय माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर, क्लियर है? चौथी बात जो मैंने अभी अभी डिस्कस करी वो ये डिस्कस करी कि हम एस लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, और पोस्ट एक्विजिशन अपना That is रिजर्व एंड सरप्लस में, कंसोलिडेटेड में एड हो जाएगा, क्योंकि वो कमाई है तो वो आपकी नॉर्मल बैलेंस शीट में जाएगी, और जो आपने खरीदा है वो आप परचेज के साथ कंपेयर करोगे। पक्की बात है? इतनी बात है। कंसोलिडेशन का मतलब है आपको 3 कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना है। कौन कौन? एक वो और एक वो, होल्ड सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। कंसोलिडेट, अगर मेरे को किसी को सब्सिडरी बनाना है तो मेरे पास 3 तरीके हैं राइट या कंट्रोल एक्वायर करने के। पहला, या तो उसकी शेयर होल्डिंग में 50% से ज्यादा होल्ड कर लूं, या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन, बोले तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का राइट ले लूं मेजोरिटी,
ठीक है, या तीसरा अपनी सब्सिडरी के थ्रू उसको कंट्रोल करवा लूं तो भी मैं उसका कंट्रोल कर सकता हूं। इससे ज्यादा जो डिटेल है वो आपको लॉ में पढ़ने को मिलेंगी सब्सिडरी के बारे में। मेरा मेन पॉइंट है यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कराना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।